बहुत ही मजेदार है। वाह वाह, क्या बात है पीकू, ऐसा भी क्या काम मिला है। मुझे लिखनी है पोयम जो राइम करे एकदम। क्या कहा कविता? तुम्हारी उम्र में लोग मुझे कवि प्यारी कहकर बुलाया करते थे। थोड़ा डाला नमक मसाला, थोड़ा दही और आटा डाला। आटा नहीं, ये है बेसन, गर्मा गर्म खाएंगे झटपट। ये तो राइम नहीं हुआ। आओ पीकू, आओ टूकी, खाओ खाना, रहो ना भूकी। टूकी भूकी, टूकी भूकी। बढ़िया राइम माँ। टूकी टूकी। पापा पापा। खाएगी खाना? अपनी पोयम बनाई, सबने मिलके मौज उड़ाई, पापा ने पोयम नहीं कही। खाते समय बोलो नहीं। अच्छी पोयम पापा प्यारी, आखिर आपने बाजी मारी। टूकी उठो, उठो। अरे रे, इतनी गहरी नींद तो सिर्फ गुदगुदी से ही खुल सकती है। मैं थोड़ा और अपने तकिए को झप्पी दूँ माँ। मैं झप्पी झप्पी। अब उठ जाओ, हमें पेड़ों को झप्पी देनी है पीकू। आज है जीने की झप्पी का त्योहार। जीने की झप्पी का त्योहार। हरे भरे दोस्तों, हमें तुमसे प्यार है, पेड़ों से है जीवन, आज झप्पी का त्योहार है। टूकी, ये है नीम का पेड़, नीम को जीने की झप्पी दो। सुनो सुनो प्यारे नीम, मुझे तुमसे प्यार है, पेड़ों से है जीवन, आज झप्पी का त्योहार है। टूकी, तुम नीम को झप्पी नहीं दोगी? नीमू झप्पी। चलो और पेड़ों को झप्पी देते हैं। जीने की झप्पी मेरे प्यारे बरगद। जीने की झप्पी मेरे प्यारे कदम।
अरे टूकी, वो पत्थर है, पेड़ नहीं। पत्थर। टूकी, हमें सिर्फ पेड़ों को झप्पी देनी है। माँ, पापा, देखो, टूकी किसी भी चीज को झप्पी दे रही है। कोई बात नहीं पीकू, पेड़, पत्थर, घास, फूस, ये सब आखिर प्रकृति का हिस्सा ही तो है। चलो टूकी को जॉइन करते हैं। सुनो प्यारे जंगल, हमें तुमसे प्यार है, पेड़ों से है जीवन, आज झप्पी का त्योहार है। कोई बात नहीं पीकू। पीकू चलो तुम्हारे लिए एक घोड़ा बनाते हैं। अच्छी मुच्ची। ट्राई करके देखें। ये डब्बा बनेगा घोड़े का सर और ये डंडा उसकी गर्दन। ऐसे डंडा, डब्बा। और ये बन गए मुंह और दो आंखें। ये तो आधा ही घोड़ा है। जाओ पीकू, अंदर से एक छोटी कुर्सी ले आओ और टूकी तुम एक झाड़ू ले आओ। शाबाश। ये बन गई घोड़े की पूंछ और ये लग गई घोड़े की गर्दन और ये सर। वाह, इस घोड़े पे तो बैठ भी सकते हैं। पापा प्यारी, वो घमेला मुझे देना। हाँ, ओके। पीकू, इस घोड़े पे सिर्फ बैठ ही नहीं, इस पे झूम भी सकते हैं।
अरे वाह, पीकू टूकी मटक मटक घोड़ा भागे टक टक टक। टूकी वहीं रहना, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। पापा जल्दी आना पापा। टूकी पीकू पापा आ गए। लो आ गई लालटेन। पापा पता है क्या हुआ? हम यहाँ बैठे थे और सामने दीवार पे एक बड़े मॉन्स्टर की छाया आ गई, और जैसे ही मैं पीछे गया पापा। ओह ये तो टूकी की छाया है पीकू। ला, ला, ला। मुझे पता था टूकी है, मैं तो डरा ही नहीं। टूकी की छाया पीकू समझ ना पाया। आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ? हाँ? जरा देखूं तो सही मेरे बर्थडे के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। अरे ये बर्थडे हैट यहाँ क्या कर रही है? आज कितना खास दिन है, क्यों माँ प्यारी? खास? आज तो सैटरडे है। आज मैं बनाऊंगा अपनी स्पेशल खीर। हाँ खीर बना सकते हैं। किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। ओहो ये चीनी भी खत्म हो गई है। मैं थोड़ा चीनी लेकर आता हूं। और कुछ मंगवाना है? कुछ याद आया तो? नहीं। टॉफी।
चलो चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है, शायद खीर देख के याद आ जाए। ये खुशबू तो खीर। सरप्राइज। खीर आपने बनाई है माँ प्यारी। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा प्यारी। पापा बर्थडे। थैंक यू, तुम सबको याद था। बिल्कुल, आज खास दिन जो है। लो, हो गया। ये मकई के दाने तो बिल्कुल मार्बल जैसे लगते हैं। चलो इनसे खेलते हैं। नहीं पीकू, ये मैंने वर्कशॉप के टॉयज में डालने के लिए निकाले हैं। ये खेलने की चीज नहीं है। ये मक्के के दाने मेरे टॉयज के लिए। चलो थोड़े आलू उबाले जाएं। अरे, ये किचन से आवाज कैसी? तुम सब यही रुको, मैं देखता हूँ किचन में कौन है। पॉपकॉर्न, मेरे आलू कहाँ गए? अरे, ये तो मैंने टॉयज बनाने के लिए रखे थे पापा प्यारी। और ये तो मैंने उबलने के लिए रखे थे। और पापा ने पूछा किचन में कौन है। किचन में कौन नहीं, पॉपकॉर्न है। वाओ, नूडल्स।
ये इडियप्पम है, मेरे दोस्त ने ये मशीन भेजी है, ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई ट्राई ट्राई। पापा पापा, क्या आप इससे चौमिन वाले नूडल्स बना सकते हो? वाह वाह, क्या मैंने चाउमीन सुना। बिल्कुल बना सकते हैं, बस उसके लिए दूसरा आटा चाहिए। टुकी टुकी, आज मिलेगा चाउमीन। चाउमीन। रुको, मैं छोटे बोल्स लेके आती हूँ। और अभी सॉस भी लाना बाकी है। थोड़ा सा खा के देखता हूँ। पीकू टूकी, चाउमीन ऐसे नहीं खाते। सबसे पहले हम इसे अपनी अपनी प्लेट में लेंगे। पहले कांटे से यूं घुमाएंगे और फिर खाएंगे। और अभी एक गाजर। एक बार चाउमीन, एक बार सब्जी। एक बार चाउमीन, एक बार सब्जी। मजा आ गया। क्या हम रोज चाउमीन नहीं खा सकते पापा? रोज? लेकिन कल तो मैं पिज्जा बनाने की सोच रहा था। हाँ, और उसके बाद पूरी भाजी। पूरी? मैं तो मजाक कर रहा था, कल मुझे पिज्जा ही खाना है। नया नया खाना पापा रोज बनाना। पापा, बहुत भूख लगी है। पीकू, लगता है गैस खत्म हो गई है। तो आज खाना नहीं मिलेगा? माँ माँ, गैस खत्म हो गई है। अरे, खाना बनाने के और भी तरीके होते हैं। चलो आज पुराने स्टाइल में खाना बनाते हैं, कोयला जला के। अरे वाह, हम तो सब्जियाँ भून के भी खा सकते हैं। यम्मी। इतने से खाना बन जाएगा? अरे इनसे क्या होगा, मैं कोयला लेकर आता हूँ, लेकिन इसके ऊपर लोहे की जाली चाहिए सब्जियां रखने के लिए। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दो पापा प्यारी। पीकू, तुम तेल और मसाले ले आओ। माँ पापा, हमें खाना कितनी देर में मिलेगा? खाना नहीं, इसे कहते हैं बारबेक्यू। बहुत भूख लगी है, मुझे चक्कर आने वाले हैं। पीकू, ये लो तेल और मसाले का मिक्स। चलो तुम हर एक सब्जी पे लगाना शुरू करो। हाँ हाँ, मैं लगाऊंगा। टुकी, मेमे,
जाओ इन सब्जियों को पीकू तक पहुंचा दो। एक दो तीन चार, सारी सब्जियां तैयार। इंतजार का फल टेस्टी होता है। ये गया टूकी का बर्थडे केक तैयार होने। सिर्फ केक नहीं, स्पेशल फ्रूट केक। थैंक यू टूकी। टूकी, इसके बिना तो केक तैयार ही नहीं हो पाता। चलो जब तक ये रेडी होता है हम डेकोरेशन कर लेते हैं। केक? ओहो, अरे नहीं, मेरा प्यारा केक। अब क्या करें? दिल छोटा मत करो पापा प्यारी, हम कुछ और बना लेंगे। अब तो फ्रूट केक के सिर्फ फ्रूट्स ही बचे हैं। तो क्या हुआ, सिर्फ इन्हीं फ्रूट से केक बना लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, टडा। टूकी, तुम्हारा फ्रूट केक तैयार है। टाटा। हैप्पी बर्थडे डियर टूकी, हैप्पी बर्थडे डियर टूकी। रुको, मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे फ्लोट करते हैं। चलो तुम दोनों बाहर आ जाओ। चलो पापा, फ्लोट। उफ, ये क्या शोर लगा रखा है।
आप हो? अरे पापा प्यारी, अपने साइज के बाथटब में नहाना था ना? फूट गया। पापा की पीठ में बाथटब। लेकिन अब हम नहाएंगे कैसे? कैसे? अरे कहाँ चले गए थे? बस कुछ नहीं। पापा की पीठ में पीला पीला। अरे पापा कहाँ जा रहे हैं बार बार? अच्छा चलो जाके देखते हैं। यहाँ भी नहीं। पापा, पापा। मैं यहाँ हूँ। अरे देख क्या रहे हो, आ जाओ। पापा। कमाल कर दिया पापा प्यारी। अब सब साथ में नहाएंगे। रेडी स्टेडी गो। प्यारी बात नहाते सब।